हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प अलवर। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने व्हाट्सएप चैनल पर फॉलोवर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो, वो भी रियल एंड एक्टिव। कैसे करना है पूरा का पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब मेक श्योर कर लेना एंड पास में दिख रहे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो विदाउट एनी मोर वेस्ट टाइम कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड की हुई है, आपको उस लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे जिसका नाम बिगेस्ट SMM पैनल है। बिगेस्ट SMM पैनल में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ जगह आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइनअप, आपको साइनअप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप साइनअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा यूजर नेम का, आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम में आप अपने नेम को स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है। आप जो भी ईमेल आईडी डालो वो वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिससे अगर आप भविष्य में पासवर्ड भूल भी जाते हो तो इजीली फॉरगेट कर पाओ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है। आप जो भी पासवर्ड फिल करो सेम का सेम पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड में डाल लेना है। इतना करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आई एम ए नॉट रोबोट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर साइनअप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद जो आपका अकाउंट है वो बन के रेडी हो जाएगा। मेरा पहले एक अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसको यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी के टाइम पे मेरे 681 रुपये अकाउंट बैलेंस है। जब आप फर्स्ट टाइम विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको 0 रुपये देखने को मिलेंगे। अब ये बैलेंस को ऐड कैसे करना है, ऐड करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड फंड, आपको ऐड फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऐड फंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको आज ये वाला QR कोड शो हो जाएगा, आपको इसको डाउनलोड करके आप पेमेंट को कर देना है अगर आप फोन पे या पेटीएम से पेमेंट को करना चाहते हो। अगर आप अदर कोई पेमेंट मेथड से पेमेंट को करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, फेम पे, भीम UPI, ऑल इंडियन ऐप, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फोन पे या पेटीएम या फिर आप जो भी पेमेंट मेथड से पेमेंट को करना चाहते हो आपको उसको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा QR कोड का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस QR कोड को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप जितना अमाउंट पे करना चाहते हो उतना आपको फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ से 100 फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट को कर देना है। तो देख सकते हो जो मेरे यहाँ पर पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद आपको व्यू डिटेल पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा UTR ID, आपको इसको कॉपी कर लेना है। अगर आप पेटीएम वाले QR कोड पर पेमेंट करते तो आपको यहाँ जैसे ट्रांजेक्शन ID को कॉपी करना है। UTR ID को कॉपी करने के बाद आपको फिर से वेबसाइट में आ जाना है। वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पर UTR ID को डाल लेना है। इसके बाद आपको अमाउंट फिल करना है कितना आपने पे किया था और आपको नीचे एक साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आपको एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना है। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो जो आपका पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमको व्हाट्सएप चैनल पर फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर न्यू ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप न्यू ऑर्डर पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैटेगरी का, आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती है, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, सभी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती है।
हम याजिके से व्हाट्सएप चैनल मेंबर्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम याजिके से व्हाट्सएप चैनल मेंबर्स वाली सर्विस को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का, सर्विसेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग सर्विसेज ले लेनी है, तो मैं यहाँ से ये वाली सर्विस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डालना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक लेने के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल को ओपन कर लेना है, तो मैंने यहाँ से अपने व्हाट्सएप चैनल को ओपन कर लिया है। अब हमारे को यहाँ पर क्या करना होगा, हमको यहाँ से ये लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी लिंक, आपको कॉपी लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक को कॉपी करने के बाद आपको फिर से वेबसाइट में आ जाना है। वेबसाइट में आने के बाद आपको लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, कितने फॉलोअर्स आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ से 100 फिल कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो हमारा ऑर्डर है वो सक्सेसफुली लग चुका है। अब हमारे को हमारे ऑर्डर का स्टेटस देखने के लिए क्या करना होगा, हमको थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑर्डर हिस्ट्री, हमको ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक कर लेना है। ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो हमारे ये वाला ऑर्डर है ये प्रोसेसिंग में है, बाकी ऑर्डर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप चैनल पर मेंबर्स को इंक्रीज कर सकते हो। आई होप दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।